बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज आप इस वीडियो में देखेंगे कुर्ते का बहुत ही अच्छा डिज़ाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कमीज़ का कपड़ा ले लिया है, इसे दो हिस्सों में काट लेंगे। पहले इसकी लंबाई नाप लेंगे, 36 इंच हमें लंबा चाहिए और मैंने 37 इंच काट लिया है, एक इंच ही ज़्यादा रखा है। इस तरह से रखकर बाकी कपड़ा काट लें। और ये ऊपर से कपड़ा निकला है, इसके बाजू बनेंगे। 21 इंच मुझे खुली चाहिए और मैं 20 इंच रखूँगी। 20 इंच चाहिए और मैं 21 इंच रखूँगी, सॉरी। और ये साइड से सादा कपड़ा काट लें। एक ही इंच खुली रखकर इधर से भी काट लें। ये जो कपड़ा निकला है ये बाजू के आगे लगना है, क्योंकि बाजू की लंबाई कम है। इस तरह फोल्ड कर अब कंधे का निशान लगा लेंगे 7 इंच पर। 7 इंच पर ही सीधी लाइन लगाएंगे। और इधर से गुलाई में निशान लगाकर काट लेंगे। दो सेंटीमीटर रखकर मैंने इधर से भी थोड़ा सा काट लिया है, इससे कमीज़ की शेप सही आ जाती है। ये फ्रंट साइड है, इसका 3 इंच पर रखकर गला काट लें। और 1 इंच या 2 सेंटीमीटर पर इधर से वी काट लें। 7 इंच पर काटना है, मुझे 10 इंच चाहिए और मैं 7 इंच पर काट लूँगी। और 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर इधर से भी थोड़ा सा काट लें। इसकी फिटिंग 18 इंच है और 9 इंच पर मैंने 18 का हाफ करके 9 इंच पर निशान लगाया है और 14 इंच साइड है। और थोड़ा सा 6 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से काट लेंगे। अब गला बनाते हैं। 1 इंच चौड़ी मैंने चेपी ले ली है और किसी भी कलर का कपड़ा ले लें आप अपने हिसाब से। ये जो मैंने नीचे पलटा लगाना है ये उसी कलर का कपड़ा है। और इधर चेपी को पेस्ट कर लेना है। ये लंबाई में 11 इंच है और छोटे वाला 7 इंच है। सात से 8 इंच ले लें और इसे सादे कपड़े के ऊपर इस तरफ से रखकर सिलाई लगा लें। और बीच में से काट लिया है मैंने। सबसे पहले मैं छोटी साइड लगाऊंगी, इधर इस तरह से पकड़कर सिलाई लगाकर फिर ऊपर इस तरफ सिलाई लगा लूँगी। और इसी तरह दूसरी साइड में भी करना है। सिलाई लग गई है, अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लें। अब इधर इस तरह से नाप लेकर जो बाकी मेरा कपड़ा है वो मैंने काट लिया है। इस तरह इसे सिलाई करने में आसानी हो जाएगी। इधर भी सिलाई लगा लें। एक से 1.5 इंच कपड़ा काट लेना है, तकरीबन 4-5 रंगों के कपड़े काटने हैं। इनको इस तरह फोल्ड कर इसके ऊपर रखकर और अब इधर हम सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरह से सिलाई कर लें।
नीचे तक हमने सिलाई लगानी है, ऊपर से वी बिल्कुल बड़ा बड़ा आएगी हमारी। नीचे से जो हमने कपड़ा काट लिया था वो देख सकते हैं आप कि वो कितना बारीक हो गया है। इधर से इस तरह घुमा लें और फिर सिलाई शुरू कर लें और ऊपर से उधर तक सिलाई लगानी है जिधर तक हमने दूसरा कपड़ा रखा है। इधर आकर हमने सिलाई रोक देनी है और थोड़ी सी सिलाई पक्की करके नीचे वाली साइड को पीछे की तरफ रखकर ऊपर से दोबारा सिलाई शुरू कर लेनी है। ये कुछ इस तरह नज़र आएगा। इसके ऊपर ये मोटिफ लगा लेंगे, आप चाहें तो कोई बटन ले सकते हैं, मोती ले सकते हैं। और अब कंधे की और फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। और अब इस तरह से सेंटर से पकड़कर बैंड का नाप ले लेंगे, 9 इंच हमारा बैंड का आया है और उसी हिसाब से चेपी लेंगे। 3 इंच पर इस तरह से गोल काट लिया है और 1 इंच या 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ाई में रखकर इस तरह से गोल काट लें। इधर से थोड़ा सा काट लेंगे। अब इसे सादे कपड़े के ऊपर लगा लेंगे। इस तरह से बाकी कपड़ा काट लेंगे और इधर भी सिलाई लगाएंगे और चेपी की तरफ से ये देख सकते हैं एक एक पैर पर रखकर हमने सिलाई लगाई है और इसे सेंटर से पकड़कर इस तरह निशान लगा लें। और जो चेपी वाली साइड है वो ऊपर रखनी है और जो सादी साइड है उसे नीचे की तरफ रखकर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लग गई है और अब ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। नीचे वाली सिलाई के साथ ही एक एक पैर पर रखकर हमने पूरे बैंड के ऊपर सिलाई लगा ली थी। और फिटिंग की सिलाई के बाद अब बाजू शुरू करते हैं। बाजू की लेंथ मैंने बताया था आपको कि कम है और जो साइडों से कपड़ा निकला है वो ही हम बीच लगाएंगे। और ये 4 रंगों के हमारे सिल्क के कपड़े हैं, इनको दरमियान से इस तरह से फोल्ड करके काट लेंगे। इसी तरह बाकी सारे काट लेंगे। और ये जोड़ के ऊपर भी हमारे आ जाएंगे। पहले हम रेड लगाएंगे, फिर येलो, फिर ब्लू और फिर पिंक। इसी तरह दोनों बाजू के ऊपर मैंने लगा लिए हैं। एक एक इंच पर फासला छोड़कर और अब मैं बाजू की सिलाई लगा लूँगी और कमीज़ को बाजू के साथ लगा लूँगी। बाजू लगाने के लिए गले के अंदर से इस तरह से हाथ डालें और बाजू को इस तरह सिलाई के दरमियान से पकड़ लें और इसको गोल घुमाकर सिलाई लगा लें। और यही जो मैंने बाजू पर लगाया था जिस तरह, उसी तरह मैंने घेरे पर भी लगा लिया है और साइडों में मैं पलटा लगा लूँगी। पलटा लग गया है और कमीज़ बहुत ही अच्छी लग रही है।